वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कनाडा की रियलिटी चेक पे रहने वाला है। टॉपिक तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रियलिटी चेक वाली बात है। मेरे को ये था कि जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं या जिनका भी पता लगता है, जो लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे भी जो प्लान कर रहे हैं, अब जिन्होंने कर लिया प्लान उनकी तो बात अलग है, उनको तो आना ही आना है, माइंड प्रिपेयर हो जाता है फिर भी। और जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, एक बार आप ज़रूर देखना, मतलब देखना पूरी वीडियो, मतलब नॉलेज वाली है, पता तभी लगेगा जब आप पूरी देख लोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर बोल रहा हूँ करना पड़ेगा ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। टॉपिक जो रहने वाला है आज का, फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग है वो है जो बच्चे एयरपोर्ट से उतर के आते हैं और आगे के एक्सपेंसेस चालू होते हैं, वो कैसे करने हैं जॉब के साथ, मतलब वो होंगे कैसे जब आपके पास जॉब होगी। जॉब होगी कैसे जब यहाँ जॉब होंगी तो जॉब मिलेगी, जॉब यहाँ एक्चुअली है नहीं, ऐसा ही है। पर नेगेटिव नोट स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव एंड पे, वेदर देख लो यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है। उसके बाद नेगेटिव बात करते हैं कि यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या चल रही है। तो अभी पिछले साल तक सब सही था, एवरीथिंग वॉज गुड, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे थे धीरे धीरे, बट इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं थी जितनी अब हो गई है। और अभी जितने लोग लास्ट सितंबर इनटेक में आए हैं उनको फिर भी कुछ परसेंट ऐसे जिनको जॉब्स मिल गई हैं, बट क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में जॉब नहीं होती है तो दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक जॉब्स नहीं होती है, मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन जो लोग अभी जनवरी इनटेक में आए हैं उनके पास बिल्कुल भी जॉब्स यहाँ पे इस टाइम नहीं है। आप वर्क परमिट पे हो या आप स्टडी वीजा पे हो, डजंट मैटर, एक्चुअल बात यह है जॉब है नहीं। जो बच्चे पहले, मतलब दिसंबर से पहले वाले जितने थे उनको, या जनवरी से पहले वाले थे, जो जनवरी से पहले वाले थे उनको, अब लास्ट इनटेक वाले उनको फिर भी जरूरी नहीं है कि सबको मिली हो, बट कुछ परसेंट लोगों को मिल गई है। बट जो अब आए हैं, जो जनवरी इनटेक से आए हैं, उनके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है, किसी को भी मेरे नोन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अभी तक जॉब मिली हो। और बात यह जॉब ना मिलने का रीजन पीछे क्या है, जनवरी से पहले का जिनका भी इनटेक था उनको इन लोगों ने फुल टाइम ऑफर कर दिया कि फुल टाइम वो बच्चे कर सकते हैं। बेसिकली जो अक्टूबर से पहले जिन्होंने भी एनरोल किया था 2022 में, उनके लिए लॉ निकला था कि वो दिसंबर 2023 तक फुल टाइम काम कर सकते हैं, यानी कि 40 आवर्स काम कर सकते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए लिमिट है 20 आवर्स पर वीक की, लेकिन ये जो लॉ आया था इसकी वजह से जो दिसंबर से पहले एनरोल्ड है, मतलब जो सितंबर इनटेक या उससे पहले के हैं लास्ट ईयर के, उनके लिए ये लॉ आया था। और इस वजह से जो भी वो बच्चे हैं तो वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं पर वीक। इसकी वजह से जो दिसंबर के बाद बच्चे आए हैं यानी कि जनवरी इनटेक से, उनके लिए बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पहले के हैं जो जॉब कर रहे हैं वो 40 आवर्स कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर्स को नए लोगों की जरूरत नहीं है। तो होता क्या था, एम्प्लॉयर्स को जरूरत वाली बात तो ये है वो हायर ही नहीं करते, क्यों, जो पुराने कर रहे हैं वो ट्रेंड भी हैं, थोड़े एक्सपर्ट भी हो गए हैं और इजी भी रहता है उन लोगों के लिए। और रही बात जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी जॉब नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जॉब बाहर, मतलब एक जगह आप एम्प्लॉयड हो, कहीं और जाके आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब इतनी इजीली मिल नहीं रही है। प्लस सबको अपनी फीस निकालनी है, इस वजह से जो लोग, हर कोई चाहता है यहाँ पे स्टूडेंट आके कि वो ज्यादा टाइम काम करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम अपनी फीस अरेंज करते हैं या अपने लोन रीपे करने होते हैं। इस वजह से जिनको अपनी फीस निकालनी है, जिनको घर पे पैसे भेजने हैं या कोई भी फाइनेंशियल नीड है, वो हर कोई 40 आवर्स काम करके बहुत खुश है। और मतलब उनको रहता है कि हम उससे ज्यादा काम करें, उससे कम ना करें, 40 आवर्स से कम ना मिले। इस वजह से क्योंकि एम्प्लॉयर्स का हेडेक कम होता है और एम्प्लॉयर्स को पे नहीं करना पड़ रहा एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ रही, इसकी वजह से वो कहीं पे भी नए लोग हायर नहीं कर रहे हैं अनलेस किसी की रेफरेंस ना मिले। रेफरेंस से भी मैंने भी बहुत लोगों को रेफर करा, बट 90% जगह पे हायरिंग नहीं हो रही है, बहुत 10% लिमिटेड ऐसी एम्प्लॉयर्स हैं जो हायर कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जॉब क्या रहती है यहाँ पे, जो स्टूडेंट आते हैं स्टार्टिंग टाइम पे जॉब क्या करते हैं, कोई टिम्स पे कर रहा है, कोई मैकडी कर रहा है, कोई हार्वीज कर रहा है, कोई स्टोर्स पे कर रहा है, और किस तरीके की जॉब्स रहती हैं कनाडा में जो स्टूडेंट्स के लिए, मतलब किस तरीके की जॉब्स, मतलब आते वो कर सकते हैं। यूजुअली वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं बिकॉज फैक्ट्री में उनको पे अच्छी मिल जाती है, आवर्स अच्छे मिल जाते हैं। अदरवाइज कोई या तो वो ग्रोसरी स्टोर्स पे होते हैं या वो फूड जॉइंट्स पे होते हैं,
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा के सिक्योरिटी का काम कर लेते हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर जाते हैं। बट अभी की सिचुएशन ऐसी है, ना सिक्योरिटी की जॉब है, ना कहीं आपको स्टोर्स फूड चेन पे जॉब मिलने वाली है, और ना ही आई थिंक स्टोर्स वगैरह पे जॉब मिल रही है। रीजन ऐसा है, किसी को मिल गई, खाली मैं 2, 4, 10 या 5 की बात नहीं करता, बात यह मोस्ट ऑफ दी, मतलब आप किसी ग्रुप में बैठे हो या आप कहीं पे हो, पता लगता है कि इसके पास जॉब नहीं है, वो कहता है मेरे पास जॉब नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हम इन्फ्लुएंसर अभी तो नहीं, मैं इतना बड़ा हुआ, बट हाँ मेरे चैनल पे जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मेरे को ये है कि मैं एक्चुअल दिखाऊं कि सच्चाई है क्या पीछे की। क्योंकि 2023 में कनाडा में रिसेशन आ गया, और रिसेशन की वजह से जॉब्स नहीं है, बिकॉज हर चीज़ के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जॉब्स है नहीं, तो यहाँ पे जो लोग आ चुके हैं या जो लोग आने की प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि यूजुअली जब हम यहाँ पे आके हमें राइट अवे कुछ टाइम में जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलने के बाद हमारे उसके जॉब की इनकम से हमारे एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अभी ग्रोसरी भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि फॉर इंस्टेंस जो घी का डब्बा था, जो मतलब घी आप लेते हो बेसिक नीड है। इस टॉपिक पे मतलब मैं इसको यहीं रुकवाऊंगा, वैसे इस टॉपिक पे एक पूरी वीडियो आएगी, मतलब आप क्लिक करके देख सकते हो वो वाली वीडियो भी, इस टॉपिक पे भी वीडियो आएगी, वो अभी नहीं, अभी टॉपिक है जिन बच्चों को आना है उनको ये पता लगे कि हाँ मतलब सिचुएशन एक्चुअल थी क्या। बेसिकली ग्रोसरी के प्राइसेस 3 times बढ़ गए, ग्रोसरी हाई है, गैस प्राइसेस हाई हैं, जो मतलब गाड़ी आप चला रहे हो तो गैस प्राइसेस हाई है, इंश्योरेंस हाई कर दी आपकी, और थर्ड एक्सपेंस जो रेगुलर वाला है बस प्राइस है, बस प्राइस हाई हो गया, फोन एक्सपेंसेस हाई कर दिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी केस में जा रहे हो ना, हर केस में मतलब प्राइस हाई कर रखा है, मतलब हर केस में मतलब यहाँ पे इतना मुश्किल हो गया कि अगर आप ये अब करंट प्राइसेस अगर आप पे करते हो तो आपकी जॉब की सारी इनकम उसी में ही निकल जाएगी, और जिनके पास सेव नहीं कर पाओगे, और जिनके पास जॉब नहीं है तो वो तैयारी ऐसी करके आना कि इंडिया से मतलब कह के आना कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस, होने वाले डेली के एक्सपेंसेस, और मतलब आप यहाँ रहोगे तो और तरीके के एक्सपेंसेस भी होते हैं जो बंदे के क्रिएट हो जाते हैं। एक्सपेंसेस की बात करूँगा, उसमें क्या क्या रहने वाला, हमारा फ़ोन एक्सपेंस डेली में, हमारा जो फ़ोन एक्सपेंस हो गया, हमारा ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, ग्रोसरी हो गई, रेंट हो गया, और आई थिंक मिसलेनियस जाके कभी वीकेंड पे कोई शॉपिंग करने चला जाता, मतलब थोड़ा बहुत भी घूमने भी जाते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप कॉफी वगैरह भी लेते हो, इसके लिए मतलब छोटा सा एक व्लॉग बनाऊंगा 5 से 7 मिनट का एक्सपेंसेस के ऊपर, वो भी आप देखना। तो और किसी चीज के लिए भी आपको चाहिए रहे तो वो भी कमेंट कर दो, और कमेंट में हमें बता दो कि आपको किस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उस पर व्लॉग शूट करेंगे। और एक मेरा रहेगा, अगर मेरे को कमेंट ज्यादा आते हैं और नीड रहती है स्पाउसल वर्क परमिट या स्पाउसल वीजा या ओपन वर्क परमिट, इसके रिलेटेड कुछ भी रहता है तो उसके लिए भी वीडियो जल्दी लेके आते हैं। इस टॉपिक में कुछ रह गया? इस टॉपिक में यही है कि अभी फिलहाल का जो सिचुएशन है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जॉब तो नहीं है, उसके अलावा इनफैक्ट जो वर्क परमिट पे भी लोग हैं, यहाँ पे अभी बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, तो ले ऑफ्स के चक्कर में लोगों की जॉब मतलब लोगों की जॉब छूट भी गई है। उसके अलावा जो इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो यहाँ पे लोग आए हैं और जिनके पास जॉब नहीं थी, जॉब की वजह से पैसे नहीं बने कुछ, और वो लोगों के लिए शेल्टर फूड जो बेसिक नीड्स होती हैं वो लोग पूरी नहीं कर पा रहे, और वो लोग ऐसे ही रोड पे धक्के खा रहे हैं, इधर सो रहे हैं उधर सो रहे हैं, जिनके पास बेसिक मतलब चीजें भी नहीं। बहुत प्रॉब्लम देख के ये वीडियो निकालने का मतलब मेरे को व्लॉग बनाने का हुआ, कि मेरे को ये था कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग घूमने फिरने वाली इन्फॉर्मेटिव का, फिर मेरे को हुआ कि एक्चुअल है क्या वो भी दिखाना जरूरी है। मतलब बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मतलब एक्चुअल पे नहीं आते, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ ये गाड़ी, ये घर, मतलब बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं। उसके पीछे जो बच्चे नए आए हैं, जो बंदे नए आए हैं, उनके लिए सर्वाइवल करना कितना मुश्किल हो रखा है, मतलब मैं एक्चुअल बता नहीं सकता, चीज़ें देख के कितना बुरा लगता है कि वहाँ से बंदा क्या एक सोच के आता है, क्या देख के आता है, और यहाँ आके एक्चुअल फेस उसको करना क्या पड़ता है। मैं कहीं मेरे से कोशिश करूँगा कि मैं किसी जो अभी लास्ट ईयर में या इस ईयर में जो भी बच्चे आए हैं, कुछ आया है, कोई ऐसा फेस कर रहा है एक्चुअल, उससे इंटरव्यू करके आपको
मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअल वो फेस करके आ रहे हैं, एक्चुअल थिंग वो बता सकते हैं, वो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे नोन में बहुत लोग हैं। मैं कॉलेज जा रही थी तो मेरी क्लास में जितने बच्चे थे मोस्टली जो जान इनटेक में आए हैं, किसी के पास भी जॉब नहीं है अभी तक, और उनका पूरा कोर्स खत्म हो गया, उनके दोनों सेमेस्टर निकल गए बट उनके पास जॉब नहीं है, तो वो लोग इंडिया से पैसे मंगा रहे हैं, अपनी GIC यूज कर रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो हमारे नोन में से बहुत लोग हैं, हमने ट्राई करा हर तरीके से उनको जॉब दिलवाने की, इनफैक्ट मैंने लोगों के रेज्यूमेज ऑल्टर कर करके और उनको बताया है कि कैसे अप्लाई करोगी तुम्हें रिस्पॉन्स आएगा। जो चीज़ें मैंने करी थी वो सेम चीज़ मैंने लोगों की हेल्प करी है उनको बताने की, अपने फ्रेंड्स में या नोन में, कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस है, बट कहीं से भी किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप इंडीड या कोई और ऐप ऐसे चेक करते हो जॉब्स के लिए, अगर आप उस पर चेक करोगे उस पर पोस्टिंग जरूर है, तो उसको देख के कई लोग सोचेंगे कि जॉब्स तो हैं तभी पोस्टिंग है उस पर, जॉब पोस्टिंग, बट ऐसा नहीं है। आप अप्लाई जरूर कर दोगे बट कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो पोस्टिंग्स बहुत सारी हैं बट एक्चुअल में कहीं से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है जॉब का। और रही बात, हम ओंटेरियो में हैं, रही बात किसी और प्रोविंस की, एक दो फ्रेंड मेरे नोन टू में अल्बर्टा साइड भी गए हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम वहाँ भी है, क्यों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो इनका आर वाला था 40 आवर्स कर रहे थे स्टूडेंट के लिए, वो सारी जगह हो गया था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हर जगह आई है। तो ये नहीं है कि मैं अल्बर्टा जा रहा हूँ, मैं BC जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो घर वालों से आप कह के ज़रूर आ जाते हो, बट आने के बाद जो प्रॉब्लम आती है और वापसी कॉल घर पे ही करना होता है। तो जो भी आ रहे हैं सबको रिक्वेस्ट है, मतलब अपना प्लान, अपना माइंडसेट रेडी करके आना कि इतना इजी नहीं है, इतना स्मूथ नहीं है जितना स्मूथ हम लोगों को वहाँ बैठ के लगता है, या हम लोगों की वीडियोस देखते हैं उसमें स्मूथ लगता है, इतना इजी वो चीज़ें नहीं है। और अभी की सिचुएशन स्पेसिफिकली ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए अगर आपके हाथ में है, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए अपना प्लान पोस्टपोन कर दो, वो बेटर ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे आके आप स्ट्रगल करोगे और घर पे फैमिली भी परेशान होगी, उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस सिचुएशन में हैं। तो अगर आप लोगों के कंट्रोल में है तो उस चीज़ को पोस्टपोन कर दो, और अगर आप लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते तो आओ, बट उस हिसाब से माइंडसेट और उस हिसाब से अपनी सेविंग्स प्रिपेयर करके आना कि अगर आपको 6 to 8 months के लिए भी जॉब ना मिले तो आप लोग मैनेज कर पाओ। सो एक वीडियो इनकम और एक्सपेंसेस वाली जो बनानी है वो भी आप देखना, और किसी चीज़ पे रहे मतलब आपको नीड हो कमेंट करना, ये चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और एक काम करना है जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है जसकित व्लॉग से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो और आप मैसेज कर सकते हो। हमें बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, हम मोस्टली सबको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी प्लान मत बनाओ, बट आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो अपलोड करके दें। ओके, फिर करते हैं बाय बाय, और फिर करना है हमें बाय बाय करने के बाद, ये पूरा देखने के बाद नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।